गुड मॉर्निंग क्लास. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रेस्ट ऑफ द थ्री नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड हाइड्रल पावर. पेट्रोलियम जो आपको रिसीव होता है अर्थ क्रस्ट से, वो इसी फॉर्म में हमें रिसीव नहीं होता है. इट रिसीव इन द क्रूड ऑयल, एक मतलब ब्लैक कलर का थिक सब्सटेंस जो है हमें हम ड्रिल्ड आउट करते हैं. ओके, अब ये देखिए यहाँ पर मेंटल जो लेयर है, आपको पता है ये मैग्मा होता है, सो ये बॉयल होते रहता है ये वाली लेयर. तो इसके ऊपर मतलब कि मैंने आपको बताया था फॉसिल फ्यूल्स काफ़ी टाइम तक जो है अर्थ लेयर में मतलब दबते जाते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स में इनमें मतलब प्रोसेसिंग होती रहती है. सो जब ये जो गर्म लावा है इसकी हीट से यहाँ पर ये क्या होता रहता है, ये एवोपोर्शन होता रहता है. जब ये गर्म होगा ये फॉसिल, तो ऑब्वियस है यहाँ पर क्या रहेगा, ये हमेशा मतलब थोड़ा एवोपरेट भी होता रहेगा. कई बार क्या होता है कि सारा का सारा एवोपरेट हो जाता है. ठीक है, तो ये जब इनकी हीट से सप्लाई हीट से ये बॉयल हो रहा है, तो ये जो पोर्शन है दिस वन, ये क्या है, दिस इज नेचुरल गैस, और उसके नीचे क्या है, ये पेट्रोलियम. ठीक है, फिर प्रोसेसिंग होती है, मैग्मा सप्लाई हीट, मेंटल लेयर का मैग्मा जो है सप्लाई हीट कर रहा है, बॉयल कर रहा है, एवोपोर्शन हो रहा है, एंड देन गैस जो नेचुरल गैस है. इट मींस कि जहाँ पर ये पेट्रोलियम होगा, इट मींस उसके ऊपर वाले एरिया में नेचुरल गैस पाएगी. लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पर नेचुरल गैस पाए उसके नीचे पेट्रोलियम हो, बिकॉज कई बार ये जो हीट है वो ज़्यादा होती है और सारा का सारा जो सब्सटेंस है वो एवोपरेट हो जाता है और सारा का सारा क्या बन जाता है, नेचुरल गैस बन जाता है. प्रोडक्ट ऑब्टेन आज जो प्रोडक्ट इससे, फिर क्या करते हैं हम इसको ड्रिल्ड आउट कर लेते हैं. ओके, फिर उसको क्या करते हैं, सेंड टू रिफाइनरीज. आपने देखा होगा हमारे यहाँ पर भी है, पानीपत में भी है रिफाइनरीज, तो रिफाइनरी है, तो यहाँ पर रिफाइनरी में प्रोसेसिंग होती है. प्रोसेसिंग से प्रोडक्ट कौन से ऑब्टेंड होते हैं, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक एंड लुब्रिकेंट. सबसे पहले जो है प्लास्टिक निकलता है, जैसे कहते हैं ना कि गंदगी के तौर पर क्या निकला, तो इसलिए प्लास्टिक जो है बिल्कुल चीप रेट पे हमें मिलता है, और पेट्रोल सेकेंड लास्ट स्टेज पर मिलता है, सो इट इज़ कॉस्टली. अब ये महंगा इतना होता है और इतना ज़रूरी होता है, और इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ब्लैक गोल्ड. मेजर प्रोड्यूसर ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, इन इंडिया इट इज ऑल्सो एक्सट्रैक्ट फ्रॉम डिगबोई, बॉम्बे हाई एक्सेट्रा. बट यहाँ से जो हमें पेट्रोलियम मिल रहा है, इट इज नॉट सफिशियंट फॉर द कंजम्पशन ऑफ आवर कंट्री, सो वी हैव टू इम्पोर्ट द पेट्रोलियम फ्रॉम द अदर कंट्रीज. देन नेचुरल गैस मैंने आपको डिस्कस कर ही दिया है कि जहाँ पर पेट्रोलियम होगा ऊपर ये जो एवोपरेट होता है वो क्या होता है, नेचुरल गैस फाउंड विद पेट्रोलियम डिपॉजिट. इसका यूज़ क्या होता है, आपने देखा है एलपीजी के तौर पर आप लोग घर में यूज़ करते हैं, गैस सिलेंडर में, और इंडस्ट्रियल पर्पज़ से भी ये यूज़ होने लगा है. रशिया, नॉर्वे, यूके, नीदरलैंड एंड इंडिया में जैसलमेर, कृष्णा, गोदावरी डेल्टा एंड त्रिपुरा एक्सेट्रा. बट इनका जितना ज़्यादा यूज़ हो रहा है ये हमारे एनवायरनमेंट को क्या कर रहे हैं, हार्म कर रहे हैं. ठीक है, सो नेक्स्ट इज हाइड्रल पावर. ये भी बहुत कन्वेंशनल सोर्स है हमारा. काफ़ी टाइम से हम लोग क्या करते हैं, डैम बनाते हैं, डैम में पानी को स्टोर करते हैं और फिर वहाँ से क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं. जो वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रल पावर. ओके, सो वाटर इन द डैम इज़ यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय द हाइड्रल पावर. जो वर्ल्ड की 1/4 इलेक्ट्रिसिटी है वो किससे तैयार होती है, थ्रू हाइड्रल पावर. नॉर्वे, ब्राज़ील और इंडिया में आपको पता ही है भाखड़ा नांगल डैम, पता है आपको गांधी सागर, इन सब पर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होती है, यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर कि हम लोग जो है डैम बनाते हैं थ्रू कैनल्स. हम लोग क्या करते हैं, वाटर को स्टोर करना स्टार्ट कर देते हैं, वाटर रिजर्वेशन ये पूरा का पूरा. ठीक है,
फिर क्या होता है, टनल के थ्रू यहाँ से पानी को रिलीज किया जाता है। तो इन टनल्स के यहाँ मुहाने पर क्या लगी रहती हैं, टर्बाइंस लगी रहती हैं। जैसे ही वाटर प्रेशर से जाता है, टर्बाइंस क्या होती हैं, घूमती हैं, ठीक है। टर्बाइन जिस फोर्स के साथ घूमती है वहाँ पर क्या होता है, एक तरह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। फिर उस करंट को थ्रू ट्रांसमीटर्स, जनरेटर्स, एक वायर्स के थ्रू ग्रिड तक पहुंचाया जाता है, ओके। ग्रिड से फिर ये जो आपने अपने घर के आसपास इलेक्ट्रिक पोल देखे होंगे वहाँ पर सप्लाई होती है, ठीक है। और जो वाटर यहाँ से इस प्रोसेसिंग से होके फर्दर आगे किस में जाता है, कैनाल में जाता है, और उसको फिर एग्रीकल्चर पर्पज से यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी बाय वाटर, यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर इजिली। सो दीज आर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन टूडेज लेक्चर। नेम फाइव कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज, विच मिनरल इज नोन एज ब्लैक गोल्ड, नेम द प्लेस वेयर दीज मिनरल्स फाउंड इन इंडिया, नेचुरल गैस हाइडल पार, पेट्रोलियम, फॉर विच पर्पज वी मेक डैम, नेम द पावर रिसोर्सेज विच हार्म द इन्वायरमेंट। यू कैन गिव द आंसर इजिली, सब सॉल्व दिस असाइनमेंट एंड टुमारो वी विल डिस्कस द नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। टिल देन रिवाइज एंड बाय।